हाय डियर्स, वेलकम बैक टू माय repair24s.com। मैं इस्माइल से कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में काम किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर हूं। आज आप सीखेंगे किसी भी सिंगल डोर फ्रिज में होने वाली वाटर लीकेज की प्रॉब्लम फ्रिज के सामने से नीचे से बहते हुए आ रहे हों या फ्रिज के पीछे से यहाँ से बहते हुए आ रहे हों। अगर जब भी आपको फ्रिज के पीछे से कंप्रेसर के नीचे से बहते हुए दिखाई देता है तो इसका रीजन है कि ये ड्रेन बॉक्स लीक हो चुके हैं या कि जिस ड्रेन नोजल के थ्रू डिफ्रॉस्ट हुआ पानी इस ड्रेन बॉक्स के अंदर गिरता है, जो ड्रेन लाइन का आउटलेट है, यहाँ से ही पानी इस ड्रेन बॉक्स के अंदर ड्रॉप होता है, ये अक्सर ब्लॉक हो गए रहते हैं। वहीं इस चिल्लर ट्रे से नोजल से टपकता हुआ पानी अगर इसके ड्रेन कप से नहीं बह पा रहे हैं तो कोई भी ऐसे फ्लेक्सिबल क्लच वायर से इन ड्रेन कप होल के अंदर डाल करके काफी गहराई तक फ्लैश कर देने से पीछे ड्रेन बॉक्स के अंदर पानी इकट्ठा होने लगते हैं, या कि ये पानी कलेक्ट करने वाले कप नीचे गिर चुके होते हैं तो चिल्लर ट्रे से ड्रॉप होने वाला पानी कि फ्रिज के अंदर से ही पानी वो ड्रेन होकर के नीचे फिट हुए वेजिटेबल ट्रे के नीचे या तो फ्लोर पर आ जाते। तो हमें चाहिए कि नीचे गिरे हुए ड्रेन कप को उठाकर वापस हमें फ्रिज के उन होल के अंदर फिट कर दें, जिससे फ्रीजर के अंदर का ड्रेन हुआ पानी इस चिल्लर ट्रे के नीचे वाले होल से कप के अंदर ही ड्रॉप होते हैं बल्कि वो बाहर नहीं गिरते हैं और वे पूरे के पूरे पानी ड्रेन होकर के फ्रिज के पीछे ड्रेन बॉक्स के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ड्रेन बॉक्स लीकेज होंगे तो ड्रेन बॉक्स ड्रिप हो रहा पानी लीक होकर के फ्लोर पे भी आ सकते हैं। फिर भी अगर पानी पीछे से फ्लोर पे आ जाते हैं, इसका रीजन है कि ड्रेन बॉक्स का लीकेज हो जाना या कि ये ड्रेन बॉक्स 350 डिग्री फ़ारेनहाइट हॉट रहने वाला कंप्रेसर के ऊपर जो फिट है ये ड्रेन बॉक्स जल चुके हैं, जिससे इनके अंदर पानी रुक नहीं पाते हैं बल्कि ये इनके अंदर से लीक हो जाया करते हैं कि ये इस तरह से जल चुके होते हैं, इसलिए कि ये हॉट कंप्रेसर के ऊपर फिट रहते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे ड्रेन बॉक्स को हटा करके यहाँ पर नए ड्रेन बॉक्स को फिट कर देना चाहिए। और ड्रेन बॉक्स फिटिंग के टाइम पे याद रहे कि कंप्रेसर और ड्रेन बॉक्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम में ये ड्रेन बॉक्स वापस कंप्रेसर के हीट के इफेक्ट से जले ना, या कि कंप्रेसर और ड्रेन बॉक्स के बीच में जो ये स्पेस दिखाई देता है यहाँ पर तारकोल और रबर केमिकल को मिक्स करके बनाया हुआ हीट कंडक्टर पैकिंग को यहाँ पर दे देने से कंप्रेसर का हीट का इफेक्ट ड्रेन बॉक्स को जला देने जितना नहीं होता है, जिससे ड्रेन बॉक्स का बेस साइड का प्लास्टिक जलता भी नहीं है और कंप्रेसर से कंडक्ट होने वाला 350 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इस ड्रेन बॉक्स को भी मिलते रहते हैं, जिससे ड्रेन बॉक्स के अंदर का पानी हॉट होकर के इवेपोरेट हो जाया करता है, यानी गर्म होकर के सूख जाया करता है, जिससे इस ड्रेन बॉक्स के अंदर भरा हुआ पानी ओवरफ्लो होकर के नीचे नहीं गिरता है और इस तरह की होने वाली वाटर लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती है। वहीं सिंगल डोर फ्रिज में वाटर लीकेज के रीजन कुछ और भी होते हैं कि फ्रिज के फ्रीजर के अंदर फ्रोजन होने वाला आइस अगर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और फ्रिज यूजर इस डिफ्रॉस्ट किए जाने वाले थर्मोस्टेट का रेड बटन जब आप प्रेस करके या कि फ्रिज के स्विच को ऑफ करके फ्रीजर के अंदर के आइस को मेल्ट करते हैं, यानी कि डिफ्रॉस्ट करते हैं, फ्रिज के अंदर ज़्यादा इकट्ठा हुआ आइस जब ड्रेन हो करके और इस फ्रिज के पीछे इस ड्रेन बॉक्स के अंदर फ्रीजर से ज़्यादा आ चुके पानी ओवरफ्लो होकर के नीचे बह जाते हैं, जिस रीजन से भी आपको वाटर लीकेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस रीजन से होने वाली वाटर लीकेज की प्रॉब्लम कस्टमर को केयर करनी चाहिए, यानी फ्रिज यूजर को केयर करना चाहिए कि फ्रिज को राइट टाइम पे डिफ्रॉस्ट करें। फ्रीजर के अंदर आइस ज़्यादा इकट्ठा ना हो तो ही फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करें, जिससे फ्रिज के ड्रेन बॉक्स ओवरफ्लो ना हो। किसी भी फ्रिज के वॉल पे बाहर से पानी क्यों आने लगता है, यहाँ से वाटर लीकेज क्यों होता है, या कि किसी भी रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर किसी भी स्टोरेज सेल्फ के ऊपर से पानी ड्रिप क्यों होते रहते हैं, या कि इनके चिल्लर ट्रे के पास
इस टॉप साइड में जो स्लॉट्स हैं, यहाँ से पानी ज्यादा ही क्यों गिरने लगते हैं? हमारे इस रिपेयर 24S यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो से क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखने वालों में से रेफ्रिजरेटर यूजर हैं तो आप हमारे इस 9833377777 कॉन्टेक्ट नंबर पर डायल कर हमारे बेल एक्सपीरियंस रिपेयर सर्विस इंजीनियर को बुला सकते हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर में ही नहीं आपके घर के सारे बड़े अप्लायंसेस इसके पहले हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें कि क्या हमारी सर्विसेज आपकी सिटीज में अवेलेबल हैं। कमेंट्स करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।